सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत और चलते चलते करती हूँ क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है। सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को और ये आज के दिन का ही दूसरा व्लॉग है क्योंकि आज तो व्लॉग काफी बन रहे हैं तो मैंने ये दूसरा व्लॉग बनाया है और मैं ढूंढने जा रही हूँ अंजलि लोगों को। पता नहीं कहाँ है अभी की अपडेट तो मैंने दे दी। मैं सो रखी थी और जब मैं सो रखी थी तो मुझे इतना जबरदस्ती उठाया जा रहा था। मॉर्निंग को उठ जाओ उठ जाओ क्या बोले ना ना माथे मुझे ना जा रहा था थे। हाँ हाँ अरे हाँ पैसे लेके पैसे भी ले आवे इससे पहले कि मैं हाँ अभी भी पैसे ले जाए आना छिन वाला भी। हाँ ठीक है थैला तैयार करा। तो अभी शाम को मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी हमारे शाम को तैयारी हो रही है। मैं अंजलि को ढूंढते ढूंढते पहले तभी जाती हूँ। महारानी तो अंजलि और भाभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाभी हाय हेलो। अरे भाभी का मन्नत ने मेरे लिए चाय बनाई है। काफी जिद की उसने कि मैं चाय बनाती हूँ। चाय बनाती नहीं नहीं मैंने प्रिया में हो गया। अब मैं सोच रही फोन मिनट होने तो मैं फोन करना चाहिए। हाँ ये मेरी भाभी है। भाभी शर्माओ मत यार। भाभी क्षेत्र पंचायत सदस्य यार शर्मा रही है। बताओ हमारी नेता कैसी हो संतोषी जैसी हो। ठीक है तो हमारी तैयारी हो रही है अभी। महानोली गैर एक जगह है। अच्छा ये भाभी कोई दिक्कत नहीं। तो एक जगह है नोली गैर तो वहाँ हम लोग सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव में वहाँ नेपालियों ने सब्जी लगाई रहती है तो वहाँ नेचुरल सब्जी मिलती है इसलिए हम लोगों ने मार्केट से नहीं ली तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। ठीक है बोल हाय हेलो कर। हाय कैसे हो बोल आप लोग बता अपने बारे में बता मैं कौन हूँ बता बता तू कौन है। ये गणेश है ये मेरे भाई का लड़का है। तो चलो मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है चुन्नी धर तो भाई क्या तू बिना चुन्नी घूमना चलो। हाँ ए लकी लकी आटू दाल और दूध। और पापा था बोल दिए ठीक है आटू दाल और दूध। इसका पेट देखो ये चाणक्य की नीति है ये गेम खेलना। ये लो क्या क्या बोली छो पापा परसों में फोन चुन्नी और पैसा तेरे के लिए मैं परसों गई थी। नहीं नहीं पापा से लिए आ गई थैला लेके। आज आज इसने अपनी दीदी का कार्यभार संभाल दिया वरना ये अपनी कामनी दीदी इसकी कामनी दीदी आ जाती है सब जगह थैला लेके। सुन थोड़ू लेके तो यही है अभी नहीं सुन रहे नवीन छुपा जावे दीदी तो यूं तो यूं काम से गुण 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 करना है। अगर रात को 1 बजे सो के भी उठो ना इन ये दोनों का साथ में सो रखे हैं माना इनको सुनो ना ये दोनों गुण 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 पता नहीं क्या बातें करते रहते तो तुम अंजलि तू ये पैसा थोड़ा दो ना अब मैं तेरा 10 रुपए दो तुम मैं सर मुझे स्कूल में मेरी बेंचमेट के साथ के लिए बोलते थे हम दोनों को तुम दोनों बातों नहीं। हाँ ये है भाई गुण 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 पता नहीं क्या चाहिए। पहले हम लोग ना इस जगह पे सबसे बिजली में जब भी हम कैमरा ऑन करते तो दिखे जानते हम किनारा पर तो पहले पे खड़ी हुई रही क्या एक सेकेंड ना क्या पड़ोसी के काम है ना वही तो ठीक है भाई बाय 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 क्या अभी अभी आना बोल तुम तो जो लोग यार गढ़वाली नहीं समझते होंगे एक्चुअली क्या करेगी नोई बाटा में था लो मिन आके खे पसंद नोई बोले बो खूब वो निक क्या गया हमार गो को निकल आंदा। हां भाई तो गांव में प्रेम प्रेम रहता है। हां शहरों में लोग अंदर रहते हैं। हां भाई तो हां शहरों का माहौल अलग है गांव का माहौल अलग है बिल्कुल। गांव में तो जो बुलाता भी नहीं उसके साथ बुलाते हैं थैला भले भुजी हाँ। तो पैसा लियो मां पड़ोसी के गांव में तुम नहीं दूं मैं तो मैंने कितनी सारी बातें स्टार्ट की होगी पूरी हुई नहीं होगी। रास्ते में कुछ बता रही थी वहाँ पे बता रही थी मैं कि यहाँ पे हम लोग पहले बैठे रहते थे लेकिन चारों तरफ से कभी कोई मिल जा रहा कभी कोई मिल जा रहा तो उससे बातचीत हो जा रही है। जैसे बिनी दीदी मिली भाभी मिली तो सारी बातें अधूरी कोई बात नहीं आजकल वरना मैं तरीके से चीजें बता रही होती हूँ आजकल चकनी ओल सी हो रखी तो वही मजा आ रहा है। ये देखो रास्ते में कितने अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं हम लोगों को। ये देखो आक्रमण आक्रमण बिनी ये सबसे बढ़िया जी अरे यार मैं हाथ फूल भरी छो नहीं 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 ये सबसे बढ़िया देखती है सबसे बढ़िया ये ऊपर वाला तुम मुड़ी वाला निकाल ले माथी वाला बना जाना डाल ये नीचे वाली ये मेरा है
चलो यहाँ पे रास्ते में हम लोग जब जैसे यहाँ पे रास्ते में इतना बढ़िया पेड़ है, इतनी खुशबूदार आम है, ये जैसे आम पास लाके आ रहे हैं इतनी खुशबू आ रही है इस पे। इधर पर डाल दी खोल नहीं, अच्छा टॉकी ना बचा तैयार कर ली यो क्या जी? इन्होंने पता नहीं अचानक अंजलि और मनीषा उछड़ उछड़ के आए अपनी गुड़गुड़ के बीच यहाँ पे गुड़गुड़ हुआ है। अच्छा यहाँ पे हाँ कोई सांप हो रहा तू जादू वही तो नहीं काम तेर पूप कर ग्रुप ज्वाइन कर ले तो हटे दे लू मैं क्या है भाई ये सुनो मैं कुछ बात बोल रही थी। हम लोग जा रहे हैं अभी हमारे गांव में, यहाँ पे नेपाली लोगों ने पहले वो खेत हम लोगों ने छोड़ दिए थे, हम लोगों ने पूरे गांव वालों ने, क्योंकि वहाँ पे रोड गई तो उसके आसपास के खेत बर्बाद हो गए थे। फिर नेपाली आए, उन्होंने क्या करा कि नहर थी उसके बगल में, उन्होंने हमारे मतलब पूरे गांव वालों के खेतों को बोला कि खेत दो, और वो उन लोगों ने सब्जियां वगैरह लगाना शुरू किया। बहुत स्ट्रगल था वहाँ, तो इसलिए अब वहाँ पे सब्जियां वगैरह लग रही, कोई बोरा लौकी है कोई कुछ है, खत्म भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। क्या फेक आईडी बोले मनीषा? मनीषा चाहती है कि वो अपनी पुफू लोगों का कार्यभार संभाले, फेक आईडी से कमेंट करे। तो फिर हम लोग आ गए हैं अपने गांव के नीचे, और जिन खेत की मैं बात कर रही थी ये वही खेत हैं। नीचे टमाटर लगा रखे हैं वहाँ नीचे, ये यहाँ पे बीन्स हैं, और ये जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं ना लकड़ी वाले, ये उन्हीं के घर हैं। मैं बिल्कुल शॉक्ड हूँ इस चीज़ को लेके कि ये पता नहीं उन्होंने कितने साल पहले बना दिए होंगे, 10 साल पहले, और अभी तक कोई टस से मस नहीं है। बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे घर, और बिल्कुल नहर है बगल पे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान भी है यहाँ से पानी ले जाना। और अभी वो पता नहीं खेतों में कुछ काम कर रहे होंगे, तो अंजलि लोग किनारे पे फोटो खींचने लग गए हैं। अंजलि पिंड आओ भी छिन लोड़ी हम तो नहीं देखा क्या वीडियो बना रहे पिंड आओ के काम ना रही होगा, पिंड आओ भी भेज दो। अच्छा अच्छा तो ये पिंड आलू के पत्ते भी लगा रखे हैं उन्होंने, मतलब पिंड आलू के पत्ते भी लगा रखे, मतलब ये पिंड आलू भी यहाँ पे बो रखा है, तो क्या पता पत्ते भी बेचते होंगे या फिर पता नहीं क्या होगा सिस्टम। तो अभी तो वो खेतों में काम कर रहे होंगे इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनको पूछते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। मजा पर जामन खानी मोमो हाँ ले मैं बनू छो वीडियो में कि वो काम करना वाला, हमें लगा कि आप यहाँ पे बैठे हो। ये बताओ चलो दिखाना नहीं, अरबी के पत्ते, अरबी के पत्ते, हाँ ले जाओ पत्ते ले जाओ। और सब्जी क्या क्या है? हाँ फोटो खींचना। हाँ दूसरी तरफ चलो। हाँ पत्ते आप दे रहे हम निकाले पत्ता पिंडाओ पत्ता बड़ी बड़ी हूं सब गा दू चार है गाड़ा हम। अच्छा पता दिन बोलो कैन खाण में तो उन्होंने आंटी जी ने कहा वहाँ पे कि अंकल जी वहाँ पे होंगे, उनसे मांगा था तुमने, वो अंदर बैठे हुए होंगे क्या? हाँ बोले इतना इतना कौन खाएगा, हाँ हाँ ले जाओ पत्ते ले जाओ, इतना कौन खाएगा वही तो। अंकल जी अंकल जी अग्निकांड भीतर धुआं लगी अग्निकांड अंकल जी यहाँ कुंडी लग रखी, बोले यार कुंडी लग रही है, नहीं 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 बिनी दीदी बोल रही कि यहाँ अग्निकांड तो नहीं हुआ लेकिन अंदर है ही नहीं शंकराचार्य हाँ हम खुद ही कर रहे यार कौन से पत्ता क्या छिनू, अरे मेहनत तो छिन कुछ नहीं होना, हम गा रहे भीतर बच्चा को गाड़ा गाड़ दस
चोरी करना दे इज्जत, चोरी करने के लिए तो इज्जत मिल रही। सुनिया बिधर बच्चों को गाड़े के बोला था नहीं वो कुछ तेरा सुन मैं चाकू गा रहा मैं प्लीज मैं ये दरवाजा खोलो चाकू मन से छोटी बड़ी जी तेरा कुछ नहीं बोल मुझे। हम लोग सोच रहे हैं कि पिनालो के पत्ते निकाले लेकिन उसको निकालने के लिए चाहिए चाकू। मुर्गा ना भागे हमारे पिछले पहले भाई था कुकड़ा थे छोटा वाला छोटा बच्चा से यार भयंकर सेलिब्रिटी को यहाँ पे साइड होने के लिए बोल रहे हैं। चल भाई चल खोली दिखो दो क्या पड़ी थे छतरी पिछले वजह में जरा देखो दिखो दो कुकड़ा तो इन्होंने इसके अंदर क्या लगा मुर्गे डाल रखे मुर्गे के बच्चे ऐसे क्या बोलते हैं चूजे। अगर इसको उठाएंगे तो हम ये चूजे बाहर आ जाएंगे बहुत दिक्कत आ जाएगी। जहाँ तक यहाँ पर तो निकालना नहीं तुम सुन मैं एक काम कर दिया ऐसे 10 निकाल दो फोन में कहीं यार आओ आओ गाइस आओ आओ। तो हमको चाहिए छोटे छोटे पत्ते ये हाथ नहीं कर दे यार देख हम हाँ ये चाय में ढाने वाले हाँ 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 खुशबू नहीं मस्त चाय में डालने के लिए होता है। तो चाकू तो हमको मिले नहीं छोटे छोटे पत्ते हम ऐसे निकालेंगे बोला था नहीं वो छोटे छोटे गाना तुम हमारा एक अंकल जी वो बना वाला केक छुनी बदमाश बेटी हाँ निकाल निकाल छोटे छोटे निकाला बस अंकल इतना बहुत चीज आई अंकल वो देखना चाहिए पारे बना वाला इतना ना गाड़ा एक अंकल पूछ तो नहीं कम से कम होता अंकल तो बोलो आंटी ने भेजी ले ले मनी सही ये चोरी छे तरीका से कर ठीक छे इन दिखो कि नहीं नहीं तरीका से कर थोड़ा तरीका से कर और मैं बिंदी दम पाऊ मैं बस भी नहीं बचाई दी मैं तेरे दम पाऊ ठीक छे ये मेरे दम पे है मैं बिंदी दीदी के बड़े ही हैं मैं बिन दीदी के दम पे हूँ कितना कुछ तो होगा कुछ तो ये बोलेगी मैं तो कुछ तो मैं मम्मी ये दीदी हूँ करियो भाई मैं दीदी हूँ करियो भाई पुटले में क्या है कोई चाहिए तो वो भी ले जाओ कोई भाई की तो अब अंकल जी आ गए हैं मनीषा जा रखी है वहाँ टमाटर पसंद करने के लिए आंटी ने बोला टमाटर पसंद कर चॉइस चिया सारी मुर्गा में पीछे मांगना सारी दुनिया यहाँ काम पे लगी हुई और ये यहाँ फोटो खींचने पे लगी हुई फूल जान अच्छे मन हाँ जान अच्छे हाँ सब्जी कुछ है नहीं अभी तक इतना घूम लिया कोई सब्जी नहीं मिली अभी तक कोई सब्जी नहीं मिली हम लोगों को तो इसलिए हम दूसरी जगह जाएंगे यहाँ पे भी है यहाँ से कम 200 मीटर दूर वहाँ पे भी लगा रखी उन्होंने। चलो यार हम लोगों को रात होने वाली है यार ये रास्ते में ही अटके हुए हैं कभी आम पे कभी अमरूद पे कभी अमरूद नहीं क्या है वो पता नहीं मुझे उस फल का नाम याद नहीं आ रहा अभी अचानक इतनी सारी चीजें हो रही की मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। चलो जल्दी अंधेरा होने वाला है चमकीला जनगिरी यहीं पर क्या नाम है तुम्हारा कपाल पकड़ने दीदी। अच्छा दीदी यहाँ पेड़ में जा रखी है अच्छा तो यहाँ पे कोई है जो पेड़ में जा रखा है अच्छा इसकी दीदी है ये जामुन के पेड़ में जा रखी है अच्छा ये तो बस यार जी हम तो गाय दिन थे बिंदी इधर इधर वहाँ गाड़ी यार इधर इधर दीदी ये वही जी हम तो गाय दिन थे जो पेड़ में जा रखी है वही है जिसने हमको गाड़ी दी थी हाँ वही चुंदर टाइम यूँ कुत्तों मैं कुत्ता मैं कुत्तू नाम क्या है क्या नाम है तुम्हारा नाम अच्छा नौरंग आयु कुछ नौ क्या ये खा लो ये पीली फरोगे को
ओ हीरो मारेगा तो नहीं है ना, मार तो नहीं है, मार से सीधे उन थकड़ में तो फिर अभी हम लोग दूसरी जगह आ गए हैं। अब यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे होंगे कि नहीं। अंजलि और मनीषा को हमने भेज तो दिया है आगे, तो देखते हैं क्या क्या सब्जी मिल पाती है। और आजकल जहाँ जाओ जामुन इतने गिरे हुए हैं, इन्हीं के चक्कर में फिसल जा रहे हैं, पूरे रास्ते जामुन जामुन भर रखे हैं। के अरे वाह, हम लोग सोचे थे, अच्छा ये कल के बेचने के लिए है, तो हम लोग सोचे थे यहाँ पे होंगे कि नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर रखी है। कल मार्केट, ये जो भी थैले तैयार हो रखे हैं, इसमें खीरा है, कद्दू है, तो ये कल मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो रखे हैं। इसलिए अभी से उन्होंने, भैया प्रणाम, हाँ तो आज हम बहुत टाइम, सालों बाद आ रहे हैं, 2019 में आए थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो क्या क्या हो रखा है भैया? हाँ, सब्जी क्या क्या है? सब्जी खाली कद्दू होगी मेरे पास आज। अच्छा आज खाली कद्दू है, सुबह उठ गए ना सारे सब्जी। अच्छा हाँ, सारे गांव वाले लेके जाते हैं, दो तीन गांव वाले तो बचने भी कहाँ से हैं। तो फिर भी पूरा इलाके, जितने सारे खेत आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ये सारे भैया लोगों ने यहाँ पे सब्जियाँ बोई रहती है। बिजी वही में हिसाब करना, इतना हिसाब ये गुड़ 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 कर बैठे हो दी अचानक देखना मैं ये फ्रॉक कैंट आ गया, नीचे उतर नीचे उतर, मैं नहीं उतर उतारे मैं हाथ पैक में उतर नीचे उतर इधर आ इधर आ नीचे उतर। ये फ्रॉक वाली जो है ना, इसका नाम मोनिका है भाई, इनको कोई बोलने वाला नहीं है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दीवार चढ़ रही है उतर नहीं रही। खसीवा, अरे वो बच्ची गिर गई है, मम्मी मम्मी चिल्ला रही है वो। जब तेरे को खींचे थे हम लोग तो आए थे नहीं नीचे, अब यूं भी पता मान ही वा सुपरमैन बच्ची को बचा के। सुन सुन, पता क्या कर रही हो, जब हमने उसे खींचे तब तो आ नहीं रही है, और अब मुझे बोली कुत्ती बस। तो घर पहुंचते पहुंचते हमें हो गया है अंधेरा, कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं और कुछ लोग बाहर में बैठे, बना रहे सब वीडियो मचेंगे। देखो दरवाजे पे खड़ी होगी, आ जा क्या यार, पैसे देने के बेटा। अरे कम दियो तो फिर ये हो गया हमारा रात का खाना तैयार। इसमें है दिन की करेले की सब्जी, कद्दू की सब्जी और दो रोटी। अंजलि तो पापा लोगों को भी दे रही है, तो खाना शुरू करते हैं हम लोग। ककड़ी कहाँ से लाए? रुद्रप्रयाग से, पापा लोग ले आए ना आज। हाँ हाँ सॉरी।